उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारा इंडिया पर निवेशकों की भुगतान की मांग को लेकर सहारा इंडिया के निवेशक अभिकर्ता वे उनके परिजनों ने 15 अगस्त 2022 को सहारा इंडिया कंपनी सेक्टर 11 नोएडा पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को सीटू जिलाध्यक्ष गंगा चंद्र समर ने संबोधित करते हुए कहा कि सहारा इंडिया के प्रबंधकों को निवेशकों को तुरंत भुगतान करना चाहिए क्योंकि ये उनकी मेहनत कमाई का अर्जित पैसा है। सहारा इंडिया निवेशकों की बकाया राशि भुगतान नहीं करती है तो CITU पीड़ितों के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की मांग जायज है और सीटू उनका पूरा समर्थन करती है। तो आइए देखते हैं इस खास पर क्या है पूरा मामला। हमारे साथ है सीटू से गंगेश्वर शर्मा, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का धरना प्रदर्शन है और क्या इनकी सहारा इंडिया कंपनी से मांग है। गंगेश्वर शर्मा जी, अपने विचार रखें, किस प्रकार हम अपने संगठन को, आंदोलन को मजबूत करेंगे, अपने विचारों से हमें अनुग्रह करें और सभी कार्यकर्ता जमाकर्ता ध्यान से सुने, ध्यान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। भैया देखिए, इधर आने रोड से ये भुगतान की लड़ाई है, ये तमाशे की लड़ाई नहीं है। यहाँ तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं। बैठ जाइए। हम बैठे हैं इधर अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने जमा किए हुए पैसे के भुगतान की मांग को लेकर के सहारा इंडिया के गेट पर आंदोलनरत सभी निवेशकर्ता साथी, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हमारे तमाम जो साथीगण, मीडिया के बंधु, आप तमाम साथी लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा जमा, जो हमने सारा इंडिया में जमा किया, सारा इंडिया में जो हमने जमा किया, उस समय हमें ख्वाब दिखाए गए कि आप सहारा इंडिया के बिजनेस पार्टनर हो, मालिक की हैसियत रखते हो, हैसियत से आप इसमें निवेश करिए। प्लीज बैठ जाइए। मीडिया को तमाम लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया और आज एक लंबे समय से अपने जमा किए हुए पैसे के भुगतान की मांग को लेकर के तमाम निवेशकर्ता चादर की ठोकरें खा रहे हैं। इस कारण से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें इस मामले को गंभीरता से लेती तो आज ये हालात नहीं बनते। हम समझते हैं कि जिस तरह सारा इंडिया के प्रमुख ने तमाम निवेशकर्ताओं के साथ धोखा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।